हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज जो है मैं फ़ौरन ही मतलब व्लॉग एक छोटा सा बना रही हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि मेरा एक ड्रीम था कि मेरी खुद की वैनिटी हो और खुद का एक पूरा मेकअप स्टूडियो हो। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने देखी पिक्चर्स वगैरह हॉलीवुड स्टाइल जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वहाँ की, वहाँ पर मैंने ये वैनिटी का आइडिया देखा, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि उसमें लाइटिंग्स भी थी, उसमें मिरर भी था, उसमें आपको रखने की सारी चीज़ें भी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे ऑर्डर करूँ। लेकिन जब मैंने ऑर्डर करने का सोचा तो वहाँ के जो प्राइस थे वो इतने ज़्यादा हाई थे क्योंकि वो अमेज़ॉन के थ्रू मिल रही थी, 3 लाख 3.5 लाख तक का पड़ जाता है क्योंकि टैक्सेस वगैरह जो होते हैं उस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ के कारपेंटर को दिखाऊँ कि क्या ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते। फाइनली मैंने पूरी ड्राइंग्स उनको बना के दी, पिक्चर्स दी, कुछ आइडियाज़ दिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। तो बस फिर ये प्रोसेस हुआ, 20-25 डेज जो है इस सारे प्रोसेस को लगे और करते करते आज फाइनली जो है वो वैनिटी मेरे पास आ चुकी है। अभी आई नहीं है, नीचे है अभी, आहिस्ता वो सारा सामान बुला रहे हैं और यहाँ पर ला के वो फिट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं दराज वगैरह ये आ गई हैं और ये यहाँ पे चीज़ आ गई है। मिरर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिरर है। फाइन में हटो तो सही, एक सेकंड, अभी सारी फिट्स होंगी। काम मैंने और करवाया था इलेक्ट्रिशियन से, वो ये कि यहाँ पे जो प्लग था ना, ये मतलब बिल्डर्स का यहीं पर प्लग था, तो मुझे ये चाहिए थी ये वाली वॉल। उसके बाद मैंने करवाया कि यहाँ से पूरा मैंने लेकर यहाँ पर लेकर आई इस प्लग को, और वॉल जो है वो अंदर से मैंने वायरिंग करवाई ताकि बीच में जो है कुछ आए नहीं। सो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको भी बताती चलूँ कि ये वाला जो डे है ये डे 3 है, क्योंकि उस वक्त मेरी वैनिटी तो आ चुकी थी लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे कि उसके जो मिरर था ऊपर रखने का मिल नहीं रहा था, क्योंकि उस पर ज़ाहिर है उसमें चीज़ें रखी जाएंगी तो वो हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हल्की क्वालिटी का हम लेंगे तो वो टूट भी सकता है ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस मिरर की बात कर रही हूँ। एक तो सामने वाला मिरर है, ऊपर भी मुझे मिरर ही रखवाना था। मेरा पूरा ये मंथ ही निकल चुका है वैनिटी के पूरे मामले में। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी का आइडिया है, कोई आइडिया यू नो कैच कर सकता है, कोई अपने लिए बनवाना चाह रहा है, तो वो भी इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आए वो पहले ही वो देख लें। साथ में और इंक्लूड कर दूं कि ये जो वैनिटी है ये नॉर्मल जो ड्रेसिंग टेबल्स होती हैं आपकी उससे थोड़ी सी अलग है। ज़ाहिर है पूरा एक स्टूडियो टाइप आपको लुक देता है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी अंदर आ गई हैं, आपका मेकअप के लिए स्पेस भी काफ़ी हो गया है और लाइट्स भी हो गई हैं, शीशा भी सामने आ गया है, तो इस कम्फर्टेबल हो जाती है लुक्स को क्रिएट करना और टाइम बहुत कम लगता है। क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब भी मैं कोई लुक क्रिएट करती थी मुझे दूसरे रूम में आना पड़ता था, फिर सारा सामान लाना पड़ता था, उसके बाद मुझे लाइट्स लगानी पड़ती थी, फिर मुझे एक शीशा रखना पड़ता था, फिर स्टैंड जो है वो सेट करना पड़ता था, मतलब सारा टाइम मेरा इसमें बर्बाद हो जाता था। काफ़ी इसमें मतलब ड्रॉज हैं और अभी सब काम ख़त्म हुआ, एक काम और बाकी है इसमें जो कि है बल्ब का। काफ़ी देख कर लेकर आई हूँ, हाँ अभी तो एक लग चुका है इसमें, वो सिर्फ हम चेक कर रहे थे कि वायरिंग ठीक है या नहीं है। सारे बल्ब्स हैं इसमें, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, पूरा दिन जो है हमारे इसी में लगा है तो अब डिनर करने जा रहे हैं। अभी शीशा जो है ना साफ़ नहीं हुआ, इसकी डस्टिंग वगैरह होगी। और ये इनके कनेक्शन है, अब कनेक्शन का बहुत बड़ा एक काम है कि कनेक्शन किस तरह से होगा। कैसे हैं आप सब लोग, और आज जो है डे आई थिंक 35 है या 40 है, ये मैं काउंट करना मैंने छोड़ दिया क्योंकि इतने ज़्यादा डेज गुजर चुके हैं इस सारे काम में। यहाँ पर आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ बिल्कुल फाइनल लुक माय वैनिटी की, और सब कुछ हो चुका है इसमें। लास्ट काम जो मैंने आपको दिखाया था वो बल्ब्स का जो है वो रह गया था वैनिटी लाइट्स का, और वो काम भी हो गया, वो भी मैं दिखाती हूँ किस तरह का हुआ है। पूरी फुल हमने सेटिंग वेटिंग कर ली है, मैंने सोचा सबसे पहले मैं यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी शेयर करूँ। चलते हैं अब वैनिटी पर। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक माई वैनिटी, और यहाँ पर जो है अभी रूम्स की लाइट है, अभी हम लाइट ओपन कर ले। ये हमारा ये है फाइनल लुक जो के है लाइट्स ओपन करके। सो अभी फातिमा करने लगी है अनबॉक्स माई चेयर, ये अभी मैं लेकर आई हूँ मैजिंग की, काफ़ी मुश्किल से मिली है ये भी भाई। फातिमा वो करो, खोलो उसको, ये भी बिल्कुल मेरी वैनिटी से मैच हो रही है। फॉर एग्जांपल हमने ये चेयर को थोड़ा सा हाइट को छोटा कर लिया, अब अगर मैं इसको बड़ा करूं ये ऊपर चले गई फातिमा, ऊपर ऊपर हो गई है, ठीक है ये बिल्कुल अब
ऊपर चली गई, ठीक है। अच्छा, ये चेयर की जो कॉस्ट है, अगर अभी की कॉस्ट अगर पूछी जाए तो ये है 8500 की। अब मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में कितनी ज़्यादा ये महंगी होती है, सस्ती होती है। अभी मुझे 8500 की मिली है ये। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये वाला मिरर जो है इसमें मुझे लग गए हैं कोई 3-4 दिन, तो ये वाला मिरर ये देखें, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छा वाला मिरर है, तो ये नहीं मिल रहा था। पतले वाले मिरर तो मिल सकते थे, तो इसके ऊपर मैं लकड़ी भी रख सकती थी, लेकिन वाइट कलर की अगर इसी तरह की मैं इस पर ऊपर रख लेती तो ये भी सही था, लेकिन मुझे ये वाली चीज़ चाहिए थी। 3 जो ड्रॉज हैं वो फ्रंट से नज़र आए, ठीक है, इस तरह से मिरर की बात। अच्छा, बाकी रह गई ये बल्ब्स की बात। तो यहाँ पर मेरे तकरीबन 10 हैं बल्ब्स, तो ऊपर 4 हैं, नीचे 4 हैं, 9 और ये 10, ठीक है। जो है लिए हैं, एक लिए है वार्म कलर का और एक लिया है कूल लाइट, ठीक है। तो मैंने मिक्स करके लगाया क्योंकि कैमरे में कूल लाइट जो है वो थोड़ी सी बुरी लगती है, वार्म थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो थोड़े से मैंने मिक्सअप करके लगा लिया कि जब भी मुझे चाहिए हो। बाकी बल्ब्स का जो कनेक्शन है वो भी ऊपर से हुआ, जो लास्ट टाइम आप लोग देख रहे थे रेड कलर के तार थे, तो पूरा ऊपर से वो इलेक्ट्रिशियन लेकर आए हैं। और नीचे यहाँ पर मेरे लग गया है ये स्विच, जो कि मैं अगर ऑन ऑफ करूँ तो अलग अलग मैंने करवा लिए सबके। सो यहाँ पर आ गई हूँ मैं और फातिमा, ये हमारा है मिरर, और पता नहीं हम कैसे लग रहे हैं इस मिरर में, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर अब हम मैं यहाँ पर रखूँगी स्टैंड, जैसे कि मैंने बताया इस जगह पे स्टैंड होगा, या कैमरा या मोबाइल जो भी होता है वो हो आपके पास अगर, तो आप लोग ले सकते हैं। ऊपर से मेरे वो परफ्यूम्स रखे हुए हैं जो मैं रेगुलर रूटीन में यूज़ करती हूँ। और हमें मेरा इतनी हिदायत आते जब तो फातिमा राय हमारे मेरा तीर ने उन तो देते थे हमें ये तरह मेथड बताया हुआ है फातिमा। असल में ये सारी बातें इसलिए बता रही हैं आपको क्योंकि फातिमा से मैंने काफी चीजें ना काफी चीजें मैंने ना इससे सेट करवाई हैं। तो क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ कि अभी मैंने फिलहाल क्या क्या चीजें रखी हैं। कुछ मैंने सीरम्स रखे हुए हैं अपने, कुछ क्रीम्स हैं, ये भी सीरम्स हैं, सन ब्लॉक्स वगैरह हैं, टोनर हैं, वाले फेस वॉशेस वगैरह जो कि मैंने अभी यूज नहीं किए हैं, जस्ट अभी मैंने रख लिए, मॉइस्चराइजर वगैरह है, काफ़ी चीज़ें मैं तो यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ फुली हैं। बाकी यहाँ पर अभी मैंने जो है आई शेडो किट्स रख ली हैं जो कि मैं अभी इसका लुक क्रिएट करूँगी, तो मुझे अभी इन चीज़ों की ज़रा ज़रूरत थी। नीचे से ऊपर लेकर आ गई ताकि मुझे फ्रंट पे चीज़ें मिल जाए, क्योंकि जो भी लुक क्रिएट करूँगी तो पहले से सामान यहाँ पर रख दिया करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मेरी रेगुलर रूटीन में लिप ग्लॉसेस हैं और यहाँ पे नील पेंट्स हैं, ये लिप ग्लॉसेस वगैरह हैं, लिप बाम्स हैं, और यहाँ पे मेरे जो हैं लाइनर मस्कारा वगैरह हैं जो रेगुलर रूटीन में यूज़ करने हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ फेशियल्स वगैरह हैं, यहाँ पर भी फेशियल्स हैं, यहाँ पर मेरी मशीन्स वगैरह हैं, मसाजर हैं, यहाँ पर जो है ब्रशेस वगैरह हैं। इसका जो है मैं एक डिटेल रिव्यू दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को डिटेल रिव्यू दूं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर किसी को ये आइडिया अच्छा लगा हो तो वो भी बताए कमेंट्स में, और अगर कोई कराची का ही देख रहा है और उसको ये आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि कारपेंटर जो है कराची का ही है तो वही बना के दे सकता है आपको, तो अब तो खैर वो बड़े फास्ट और तरीके से बनाएंगे क्योंकि पहली जो चीज़ बनती है वो भी यही कह रहे थे मैंने पहली दफ़ा ये चीज़ बनाई है, इससे पहले जो है मैं ये चीज़ कभी नहीं बनाई मैंने। तो अगर आप कोई बनवाना चाह रहा है तो वो कमेंट्स में बता दें, मैं उनका नंबर जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, अच्छा उनको भी भला हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी है, तो इसकी मैं एग्जैक्ट कॉस्ट तो आपको नहीं बताती लेकिन ये बता देती हूँ कि 60 प्लस है, क्योंकि देखें अगर मैं 60 बताऊँगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपको पता है पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, हर दिन जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो महंगी हो ही जा रही है, और जिसमें इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं है, जिसमें बल्ब्स जो हैं वो नहीं है, चेयर जो मैंने आपको दिखाई वो नहीं है, और इसके अलावा 60 है। प्लस ये है कि अब मुझे नहीं पता कब भाड़े चार्जेस हो सकता है कम हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं ताकि वो जो ज़ाहिर है वो चीज़ बनाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने पहले में देखा सब अलग अलग आई यहाँ पे लाके फिक्स की उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा क्या बता रही थी मैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही थी, वीडियो तो एंड तलते हैं, तो याद आया था 1 करोड़ साल बाद, तो वीडियो तो एंड तलते हैं, नहीं मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही थी यार, भूल गई।
हाँ हाँ मुझे याद आ गई कि मैं ये बता रही थी कि अगर हम कंपेयर करें अमेज़ोन से हॉलीवुड स्टाइल की मंगाने में और यहाँ पे मंगवाने में, तो वो तो खैर आधो आध का फ़र्क है पूरा। तो ये मुझे बहुत सस्ती पड़ी जो बात है इस उस पे ना, अगर हम कंपेयर करें 3 लाख से और 60,000 से। बल्कि आप अगर उस साइज़ वो साइज़ देखें अमेज़ॉन वाला और ये वाला साइज़ देखें, इसमें भी बहुत, मतलब मेरा शीशा, मैं यहाँ पर हूँ ठीक है, मेरा शीशा वो ऊपर तक जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा जा रहा है। और बहुत अच्छी लकड़ी जो है ना, ये आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी लकड़ी यूज़ की गई है। सो यहाँ पर जो है व्लॉग होता है, व्लॉग बोलने थोड़ी इन्फॉर्मेटिव, वीडियो बोलने व्लॉग तो नहीं बोलेंगे उसको। और अदर आप ट्राई करें और हजरी बाय और हमारे यूट्यूब पे 1K लाइक करें। हाँ और 1K मेरे होने वाले हैं, 1K हो जाते हैं तो आई होप कि मैं सेलिब्रेशन अच्छी सी करूँगी और लाइव, और मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए भी एक अच्छा सा सरप्राइज सोच रही हूँ कि मेरे 1K होने पे अच्छा सा कोई सरप्राइज भी होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो, या कोई इस तरह का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।